अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई है सिविलियंस के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट जॉब्स हैं, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने वीडियो को और से देखना है, इसको एंड तक देखना और स्किप नहीं करना है। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार, ऐसे सर्च करना है गूगल पे। जो पहली वेबसाइट है जॉब बाजार डॉट इन्फो, इसको आपने ओपन कर लेना है। जब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये साइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहे लेटेस्ट जॉब्स इन दिस वीक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे पीएफ जॉब्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने जो पोस्ट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान नेवी में भी सिविलियन की जॉब्स ओपन है, 24 मार्च लास्ट डेट है, अभी तक डेट है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे हमने यहाँ पे वीडियो आपसे शेयर की है, ये भी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान नेवी में। ओके, तो यहाँ पे ये जॉब्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 मार्च से स्टार्ट है और 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और ये परमानेंट जॉब होती है, बस इसमें ये फर्क होता है कि आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, ये सिविल जॉब्स होती हैं, सही है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है नर्सिंग सिस्टर्स, ठीक है। ग्रेड 14 की जॉब है, इसे पंजाब, केपी के और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर आप जो है वो रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, ठीक है। नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से आप क्वालिफाइड नर्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 45 साल तक आपकी एज हो। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है, यूडीसी, इसमें ये ग्रेड 13 की जॉब है। इसमें ओपन मेरिट पे एक है पंजाब की, यहाँ पे वैकेंसीज है, ठीक है। तो ओपन मेरिट पे कोई भी कहीं से जो है मेल फीमेल सिंध बलोचिस्तान गिलगित फाटा आजाद कश्मीर कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटर क्वालिफिकेशन हो और 20 वर्ड परमिट आपकी टाइपिंग स्पीड हो। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट है, इसमें जो है ग्रेड 9 पे पंजाब सिंध और केपीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ मेल्स कर सकते हैं अप्लाई। और यहाँ पे आपके पास पैरा मेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए। मेल नर्स है, इसमें ग्रेड 7 पे पंजाब और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीएनए होता है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि मैट्रिक के बाद कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए। लेबॉरेटरी अटेंडेंट है मेल्स, ठीक है। इसमें मेरिट पंजाब सिंध केपीके और बलोचिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मैट्रिक साइंस हो आपकी, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसीज है और मेल्स के लिए, इस पर मेरिट पंजाब और सिंध और इसके अलावा केपीके बलोचिस्तान गिलगित फाटा और आजाद कश्मीर की यहाँ पे वैकेंसीज है। इसमें आपके पास एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद बावर्ची की वैकेंसीज है बॉयज के लिए, तो इसमें जो है मेरिट और इसके अलावा केपीके फाटा सिंध और बलोचिस्तान की वैकेंसीज है, और आपको कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर फाइटर है पंजाब और केपीके और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ तक की वैकेंसीज हैं, और उसके लिए यहाँ पे अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको जैसे कि बता दी गई है, यहाँ पे देखें जो यहाँ पे एज लिखी हुई है ना 18 से 25 साल, इसमें आपने 5 साल और ऐड करने हैं। हर कैंडिडेट को 5 साल की रियायत है, यानी कि 18 से 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे 18 से 25 लिखी हुई है, आपने 5 साल इसमें मजीद ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं तमाम असामियों के लिए उम्र की बालाई हद में मजीद 5 साल किराया दी जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 18 मार्च से इसका अप्लाई स्टार्ट है और 24 मार्च लास्ट डेट है। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और अप्लाई क्लिक करें तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है 18 मार्च को, और आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो सीधी की वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद नहीं होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।